सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सबसे शेयर करूंगी कि आप इंस्टाग्राम रील्स वीडियो कैसे वायरल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम रील्स वीडियो पे कैसे व्यूज इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे लाइक इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत वीडियो बना दिया लाइक एंड फॉलोवर्स पे, पर दोस्तों आप में से काफी सारे लोग का कॉमेंट आता है कि यार फॉलोवर्स एंड लाइक पर तो बहुत सारे वीडियो हमने देख लिए, पर रील्स वीडियो कैसे वायरल करें उसका वीडियो बना दो। तो दोस्तों लेकर आ चुकी हूं मैं आप लोग को ऐसी सिर्फ 3 टिप्स मैं इस वीडियो में आप सबसे शेयर करूंगी, जिससे कि दोस्तों आप लोग का रील्स वीडियो वायरल होना ही होना है। तो दोस्तों ये वीडियो आप सबके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों आप लोग को पता ही है कि अभी गिवअवे चल रही है, तो दोस्तों आप लोग को गिवअवे में पार्टिसिपेट करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप लोग को लाइक कर देना है एंड इस वीडियो के नीचे कोई अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना और अपना यूजर नेम जो है टाइप कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो आपको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। गिवअवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको यही करना है। और ये दोस्तों आज की वो कौन सी 3 टिप्स है, सबसे पहले मैं आप लोग को वो शेयर करती हूं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे एंड आप मेरा कोई वीडियो को मिस ना कर पाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों जो पहला टिप्स है वो ये है कि आप अपना जब रील्स वीडियो अपलोड करते हो तो आपको खुद से नहीं देखना है। दोस्तों आप में से बहुत से लोग ये गलती करते हैं, जब भी वो अपना रील्स वीडियो अपलोड करते हैं वो खुद से जाकर देखते हैं। आप देखते हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कौन कौन ये गलती करता है, मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और गलती करते हुए तो प्लीज नेक्स्ट टाइम से ये गलती मत करिएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप जब रील्स वीडियो अपलोड करते हो तो आपको खुद से वॉच नहीं करना है। और दोस्तों बहुत से लोग देखते भी हैं, पर दोस्तों बहुत से लोग वो अपना ही रील्स वीडियो को लाइक भी कर देते हैं, जो कि दोस्तों आपको कभी नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों 15 सेकंड का वीडियो होता है रील्स वीडियो, उसको आप मान लो 5 बार भी देखते हो तो फिर व्यूज जो है आपका ही अकाउंट का काउंट हो जाता है। दोस्तों वो गलती आपको कभी भी नहीं करनी, अगर आप लोग कर रहे हो तो प्लीज इस गलती को सुधार लेना, वरना आपका रील्स जो है वो वायरल नहीं होगी। दोस्तों अगर आप लोग का रील्स जो है वो वाला रील्स ज्यादा ही अच्छा लगता है तो आप वो रील को सेव कर लो, बार बार देखते रहो, गैलरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, गैलरी से बार बार देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको रील्स वीडियो पे जाकर अपना ही रील्स को बार बार नहीं देखनी है। तो दोस्तों ये गलती है, तो ये गलती आप सुधार लो, आगे से ये गलती मत करना। दोस्तों जो हमारा सेकंड टिप्स है वो ये है कि हैशटैग। दोस्तों हैशटैग, अब आप लोग सोच रहे हैं हैशटैग क्या होता है यार, तो दोस्तों हैशटैग हमारे वीडियो को वायरल करने के लिए बहुत ज्यादा काम करती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कौन सा वायरल हैशटैग है एंड आपको उस हैशटैग को वीडियो में कैसे डालना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको हैशटैग के बारे में बता देती हूं कि आपको अपने वीडियो में हैशटैग कैसे डालना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें कैप्शन ऐड करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपका जो भी सॉन्ग भी अपने वीडियो बना रहे हो, जो भी सॉन्ग हो आपका, और आपको कैप्शन क्या डालना है, वहाँ पे सबसे पहले आपको वीडियो के ऊपर जो है कैप्शन डालना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे कैप्शन डाल देती हूँ, जो भी मेरा सॉन्ग है तो उसके रिलेटेड मैं यहाँ पे कैप्शन लेती हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने जो भी मुझे कैप्शन यहाँ पे ऐड करना था वो मैंने कर दिया। उसके बाद दोस्तों आपको हैशटैग जो है सेम यहीं पे नहीं डालना है। दोस्तों आप बार बार यही गलती करते हो, आप में से बहुत से लोग यही गलती करते हो, आपको यहाँ पे डॉट डॉट करके नीचे की ओर आना है, बहुत सारे नीचे की ओर आपको, मतलब कि मानो ना 5-6 डॉट डॉट नीचे की ओर आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे हैशटैग डालना है एंड वो हैशटैग क्या डालना है सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। तो दोस्तों आपको जो स्क्रीन पे दिख रही होगी वीडियो में जो मैंने यहाँ पे हैशटैग डाला है, सेम आपको यही हैशटैग डालना है। दोस्तों ये हैशटैग जो है आपको जो है मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको सेम यही हैशटैग डालना है अपने वीडियो में। तो दोस्तों ये हैशटैग जो है फील करो, रील करो, रील्स रील, इंस्टाग्राम रील, दोस्तों आपको यही 5 जो है हैशटैग आपको हर एक अपने वीडियो में डालना है। उसके बाद आपको अपने वीडियो में जाकर है कोई सा भी अच्छा कवर जो आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है डन पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपको अपना वीडियो पोस्ट कर देना है। दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि आपको हैशटैग ऐसे ही डालना जैसे मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारा थर्ड टिप है वो कौन सा है। तो दोस्तों थर्ड टिप ये है कि जब भी हम अपना रील्स वीडियो अपलोड करते हैं तो उसी टाइम अपना स्टोरी लगा देते हैं, पर दोस्तों स्टोरी लगाते ना हम पता क्या गलती करते हैं, हम वहाँ पर वीडियो का साउंड भी दे देते हैं एंड हम अपना फेस भी वहाँ पे दिखा देते हैं, जो गलती हमें नहीं करनी होती। तो वो स्टोरी पर तो देख ही लेते हैं कि हमारे रील्स में क्या है, हमने कौन सा सॉन्ग यूज किया, फिर क्या एक्टिंग किया है, तो हमारे वीडियो पे रील्स
पे नहीं जाकर ना लाइक करते हैं उसको, ना व्यूज मतलब ना ही देखते हैं। तो दोस्तों ये गलती है, तो ये गलती आप सुधार लो। अब आप सोच रहे हो कि हम रील्स वीडियो अपना स्टोरी पे कैसे अपलोड करें, तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका जो वहाँ पर जो ऑप्शन मिलता होगा साउंड का, सबसे पहले आपको वहाँ पे साउंड म्यूट कर देना। उसके बाद आपको अपना मुंह पे स्टिकर सा लगा लेना, या फिर आपको स्टिकर पे ये दे देना न्यू रील्स, या फिर कुछ भी अगर आपको अच्छा लगता है वो आपको दे देना। इससे पर्सन ना आपके रील्स वीडियो पे आएंगे, आपका रील्स वीडियो देखेंगे भी, मतलब व्यूज भी काउंट होगा, एंड उसको अच्छा लगेगा उस पर्सन को आपका रील्स वीडियो, तो लाइक भी करेंगे। तो दोस्तों आपको यही करना है। दोस्तों मैंने आपको तीन टिप्स बता दिया है। दोस्तों अगर आप लोग तीनों टिप्स जो फॉलो करते हो तो मैं गारंटी लेती हूँ आपका रील्स वीडियो वायरल होना ही होना है। तो दोस्तों आप लोग को कैसी लगी ये तीनों टिप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए कि आपने तीनों टिप में से कौन सा टिप जो है फॉलो किया है एंड आपका वीडियो वायरल हुआ है। क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग का ना एक दो ही टिप्स में फॉलो करते हैं एंड उनका वीडियो जो है वायरल हो जाता है। तो दोस्तों मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए, एंड जो मैंने आपको गलती बताया जो आप इंस्टाग्राम पे रील्स वीडियो पे कर रहे हो वो गलती आपको कभी नहीं करनी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे एंड आप मेरा कोई वीडियो को मिस नहीं करेगा। तो आप लोग ना लाइक करने में एंड चैनल को सब्सक्राइब करने में बहुत ज्यादा कंजूसी करते हो यार। आपका एक लाइक से एंड एक सब्सक्राइब से कोई पैसा नहीं लगता आपको, ना ही मुझे पैसा मिलता। मैं आप लोग के एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब से मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होती हूँ आगे वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करके ही जाना। और दोस्तों आप लोग को स्क्रीन पे ना दो वीडियो देख रही होगी, दोनों में से किसी एक पे क्लिक करो, देखो, एंजॉय करो। मुझे कमेंट में ये भी बताना कि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय।